Hello kids, welcome to science session. We are doing chapter the living organisms and their surroundings. So yes, from the previous session we have started with this topic. Ab hum logon ne pehle jo dekha tha ki according to region there are different organisms as well as there is difference in the plantation also. Today we are going to discuss about the habitat and adaptation. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैबिटेट, कैन यू टेल मी क्या मीनिंग है हैबिटेट का? मीन्स किस एनवायरमेंट में वो रहते हैं. जैसे जो हमें एनिमल्स सी के अंदर मिल रहे हैं तो वॉटर या ओशंस इज द हैबिटेट. ओके, नाउ एडेप्टेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडेप्टेशन? एडेप्टेशन का मीनिंग है कि उस एनवायरमेंट में वो अपने को कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, उनकी क्या स्पेसिफिक ऐसे ऑर्गनिज के कुछ ऐसे पार्ट्स, प्लांट के कुछ ऐसे पार्ट्स ऐसे हैं डेट हेल्प देम टू सर्वाइव इन दैट एनवायरमेंट. क्लियर? यस. थोड़ा सा अगर किसी बच्चे ने पहली बार यह टर्म सुना है थोड़ा सा डिफिकल्टी लगेगी, बट एज वी विल डू दिस सेशन एंड at the end of the session you can easily say now I can understand the meaning of habitat and adaptation. So let's start today's session. हमने पहले ये chart देखा था, हमने इसको fill करा था, हमने क्या करा था, कुछ trees के नाम दिए थे जो हमें मिलते हैं इन पर्टिकुलर एरिया में, कुछ एनिमल्स के नाम दिए थे. कुछ याद है आपको हमने क्या क्या नाम रखे थे, क्या क्या लिखा था यहाँ पर? जैसे फॉरेस्ट में हमने क्या कहा था कि लाइक बनियान ट्री मिल सकता है, नीम ट्री मिल सकता है, हाँ इस टाइप से. ये हा और भी बहुत सारे ट्रीज है, कितनों के तो हमें नाम भी नहीं मालूम है, बट वी कैन फाइंड देयर. और ऊपर से फॉरेस्ट में हमें क्या है, फॉरेस्ट में हमें मंकी, फॉरेस्ट में तो बहुत एनिमल्स है, नंबर ऑफ लाइक स्नेक, लायन, टाइगर, लेपर्ड, रैबिट्स, स्क्विरल, बर्ड्स, क्रो, नंबर ऑफ नंबर एनिमल्स के वी कैन से द नेम दोस हु आर फाइंड इन फॉरेस्ट एरिया. नाउ माउंटेन्स में, माउंटेन्स का याद है आपने क्या करा था? माउंटेन्स में हमारा सबसे कॉमन एनिमल है शीप, और वैसे तो बहुत है, हमें ऐसा है हॉर्स भी मिलते हैं माउंटेन में, बट अगर हम उनकी पिक्चर को देखेंगे वी आर गोइंग टू फाइंड लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द हॉर्स डेट आर फाउंड इन माउंटेन एरिया और द इफ वी वांट टू कंपेयर विद द लैंड एरिया जो जहां हम लोग रह रहे हैं. वी आर गोइंग टू फाइंड लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दोज स्पीशीज. वो हॉर्स हॉर्स हैं लेकिन हम देखेंगे वहां के जो हॉर्स हैं उसके बहुत बड़े बड़े बाल हैं, उसकी स्किन भी थोड़ी थिक है. जैसा मैंने आपको याद होगा प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि ये जो होते हैं इनके स्किन इज वेरी वेरी थिक, बताया था ना आपको, डू यू रिमेम्बर? यस. ओके, सो नाउ माउंटेन्स में हमें टीक का ट्री, हाँ और बहुत सारे ट्रीज देखने को मिलते हैं. डेजर्ट में हमने कैमल दे, तो ये जो कैमल का नाम है ये एक बहुत कॉमन आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वी विल नॉट फाइंड काओ ओवर देयर, वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड लाइक रैबिट या स्नेक्स, ऐसा नहीं है वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड, वी आर गोइंग टू फाइंड, बट इफ वी कंपेयर द एनिमल्स लाइक इफ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ स्नेक, इफ आई कंपेयर द स्नेक डेट इज फाउंड इन द डेजर्ट एंड आई कंपेयर द विद द स्नेक डेट इज फाउंड इन द फॉरेस्ट, दो स्नेक है बट इन द बॉडी स्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू फाइंड सम डिफरेंस. क्यों? बिकॉज दिस इज द फॉरेस्ट एरिया एंड हियर इट इज द डेजर्ट एरिया. इज दिस थिंग क्लियर? ऐसे ही सी का हमने करा था, हा? हमारे कितने टाइप की फिशेस हैं, हाँ ऑक्टोपस, सी में हमें एक ऑक्टोपस भी देखने को मिलता है, डू यू नो? ऑक्टोपस मीन्स जिस एनिमल के 8 लेग्स होती है,
तो ऐसे आप नाम सोचेंगे तो बहुत हमारे हमें बहुत टाइप के ऑर्गेनिज्म सी के अंदर भी देखने को मिलते हैं, और हम देखेंगे उनका बॉडी क्या है, इज वेरी सॉफ्ट। हाँ, वो सॉफ्ट है एस वेल एज वेरी स्लिपरी, हाथ रखो हाथ से निकल जाते हैं। हैव यू ऑब्जर्व फिश, कभी फिश को हाथ से पकड़ा है, क्या होता है, द मोमेंट यू वॉन्ट टू कैच वो एकदम कूद के बाहर आ जाती है। क्यों? जब आप टच करते हैं उसका बॉडी कितना सॉफ्ट लगता है। हाँ, कि एंड स्लिपरी ऑल्सो, कि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू होल्ड, वाई द बॉडी इज स्लिपरी, मालूम है। चलिए बता देते हैं, अभी हम ये चीजें सीखेंगे भी। लेकिन क्या है, जैसे वॉटर भी बहता हुआ निकल जाए, वॉटर डजेंट पे पुट एनी प्रेशर ऑन द बॉडी ऑफ फिश सो डेट इट कैन ड्राउन, वो ऊपर ऊपर तैरती है ना, ये रीजन है। तो ऐसी और बहुत सारे रीजंस हम अभी जैसे जैसे चैप्टर में बढ़ेंगे आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। नाउ अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, वो बहुत ही एक क्रिटिकल क्वेश्चन है, कि ये जो डिड यू फाइंड अ लार्ज वैरायटी इन देम, जो अभी देखा ट्रीज कितने टाइप के हैं, हमारे ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के हैं, तो वी फाइंड क्या है लार्ज वैरायटी है या नहीं है, मिलती है ना, व्हाट इज द रीजन, एंड डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दीज टू कॉलम्स। जैसे अगर हम करें तो हमने देखा है कि काफी हमें डिफरेंस भी देखने को मिलता है, कि जैसा मैं आई हैव कंपेयर्ड, कि हम जब हम डेजर्ट की बात करते हैं, हम कैमल की बात करते हैं, और इधर फिश की बात करते हैं, फिश क्या है, इतनी छोटी सी, बड़ी भी फिशेस है बट फिशेस में हमें वेरिएशन देखने को मिल रहा है, लेकिन कैमल सच अ बिग है या नहीं है, तो देर है ना, वेरिएशन कितना ज्यादा है। वो कैमल को हम इजिली पकड़ सकते हैं, इवन वी कैन सिट ऑन कैमल, लेकिन फिश इवन वी कैन नॉट होल्ड इट, निकल जाएगी हाथ से, है या नहीं है। तो यस देयर इज अ डिफरेंस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम कंडीशंस ऑफ सी। इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंड बाय सलाइन सॉल्टी वाटर, है या नहीं है। जो पानी आपको मालूम है ना, समुद्र का पानी क्या है, इट्स वेरी सॉल्टी, तो विद सॉल्टी यू आर गेटिंग अ न्यू वर्ड सलाइन। तो जब भी हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं सेलाइन, तो टेक इट के देयर इज एक्सेस ऑफ सॉल्ट इन इट, क्लियर। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज द एयर डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो बिकॉज दीज ऑर्गेनिज्म क्या है, टू डू द रेस्पिरेशन प्रोसेस, सो फ्रॉम वेयर आर दे गेटिंग दिस ऑक्सीजन, क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, टू ब्रीथ इन, टू ब्रीथ इन सारे ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, ऑक्सीजन, ठीक है, उनको चाहिए ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए, और ये जो ऑक्सीजन कहाँ है, इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। हमें क्या मिल रहा है, कहीं डिसॉल्व मिल रही है, नहीं, हम ले रहे हैं, ब्रीथ इन कर रहे हैं, ऑक्सीजन इज गेटिंग एब्जॉर्ब इन अवर बॉडी, लेकिन यहाँ पे जो वाटर ऑर्गेनिज्म को दे आर गेटिंग फ्रॉम वाटर। नाउ अबाउट डेजर्ट एरियाज, डेजर्ट एरियाज का क्या कंडीशन है, कि वहां पे देयर इज वेरी लिटिल वाटर, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, है या नहीं है, यस, तभी तो डेजर्ट मीन्स नो वॉटर या वेरी लेस वॉटर, और जो इसलिए वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, वेरी हॉट, ठीक है, इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट, रात में बहुत ठंडा हो जाता है। द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रेथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग। अब जो ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, उन्हीं में ये एनिमल्स एंड प्लांट्स रहते हैं, उसी मिट्टी में। तो नाउ थिंक अबाउट व्हेन द डे इज हॉट,
when there is less water, this means their body must be in that form that it can survive in those critical conditions. अगर वो नहीं कर पाएंगे तो क्या वो? Yes, they cannot survive. Now, if we want to compare between the sea and the desert, तो क्या देख रहे हैं? Sea और desert क्या हम क्या देख रहे हैं? They are very very different. है या नहीं है? हाँ. और उसके साथ हम क्या चीज फाइंड आउट कर रहे हैं? सराउंडिंग्स में डिफरेंस है एज वेल एज देयर इज डिफरेंस इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दीज एरियाज. डेजर्ट में अगर हमें क्या मिल रहा है? डेजर्ट में अगर हमें कैक्टस मिल रहा है तो सी में हमें अलग टाइप के प्लांट्स मिल रहे हैं. है या नहीं है? वहां पे जो प्लांट्स मिल रहे हैं कैन वी फाइंड इन डेजर्ट एरियाज? नो. है या नहीं है? हाँ. एक सी नीचे में एक प्लांट मिलता है, उसका नाम है हाइड्रिला. और आप देखेंगे उसका लीफ, उसका स्टेम का स्ट्रक्चर, कैक्टस का, यू आर गोइंग टू फाइंड लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू. अब अगर हम सी और वो डेजर्ट के एनिमल्स को कंपेयर करें तो सी हियर, दिस इज कैमल एंड दिस इज फिश. तो कैमल क्या? इट्स अ बिग बॉडी. फिश स्मॉल बॉडी. हाँ. ऊपर से कैमल की क्या है? आप देखेंगे स्किन इज हार्ड, यहां पे स्किन इज सॉफ्ट. हियर यू कैन फाइंड स्केल्स ऑन द बॉडी. नो स्केल्स. आपको मालूम है स्केल्स क्या होते हैं? ये जो आपको छोटे छोटे से यहां पे, हम जब किसी फिश का, हम फिश बनाते हैं ना, फिर क्या करते हैं? इस टाइप से हम उसका दिखाते हैं ना. सो ये होते हैं स्केल्स. फिर हम क्या देखते हैं फिश में? हमें फिन देखने को मिलता है, डेट हेल्प्स टू स्विम. लेकिन कैमल का मूवमेंट लोकोमोटरी ऑर्गन आर लेग्स. इज देयर अ डिफरेंस? यस. नाउ अगर अभी जो हमने देखा इसको थोड़ा सा डिटेल में, वी आर गोइंग टू लुक फॉरवर्ड. जो कैमल का बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा है? कि इट हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशंस. वो कैसे? इसकी लॉन्ग लेग्स होते हैं, और ये जो लॉन्ग लेग्स होते हैं ये क्या करते हैं? दैट हेल्प टू कीप देयर बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड. इसलिए उसकी लंबी टांगें होती हैं. अब आपको समझ में आया? आप देखा गया इतनी छोटी टांग होगी, हमें नीचे की हीट एकदम पता चलती है, लेकिन कैमल की लंबी टांगे उसको हीट से दूर रखती है. और क्या है उनमें? कि जो उनका एक्सक्रीशन प्रोसेस है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है. मींस जो यूरिन, क्योंकि डेट हेल्प्स टू सेव वाटर इन द बॉडी. और ऐसी ही दे डू नॉट स्वेट, उनका पसीना भी नहीं निकलता है. और कैमल्स क्या होता है? दे कैमल्स लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, क्योंकि ना तो वो क्या कर रहे हैं, ना तो स्वेट कर रहे हैं, ना ही उनका एक्सक्रीशन प्रोसेस चल रहा है. और ये सब क्यों हो रहा है? टू सेव वाटर इनसाइड द बॉडी. फिश का अगर हम देखें तो इनकी जो बॉडी होती है इट इज स्ट्रीम लाइन शेप. और ये जो इनकी स्ट्रीम लाइन मीन्स ये ऐसे गए, ये गए, ये गए, दिस इज नोन एज स्ट्रीम लाइन. और ये इनको हेल्प्स टू सर्वाइव इन द वॉटर. और जो ये इनका, जैसा मैंने कहा था, इनका बॉडी जो होता है उनमें स्लिपरी स्केल्स होते हैं. और ये जो स्केल्स होते हैं ये क्या करते हैं? दे प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन इजी मूवमेंट थ्रू वॉटर. क्योंकि स्केल्स क्या है, कोई भी पकड़ता है उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है टू कैच द फिश, टू होल्ड द फिश. और जो इनके फिश के, दे हैव फ्लैट फिन्स, और इनका एक छोटा सा टेल होता है.
और ये जो होता है दिस हेल्प्स द फिश टू चेंज डायरेक्शन व्हेन दे आर स्विमिंग इन द वॉटर एंड ऑल्सो इट हेल्प्स टू मेंटेन बॉडी बैलेंस इन वॉटर. क्लियर. और जो कि इसमें फिश में एक दे आर इज वन मोर पार्ट दैट आर गिल्स और ये जो गिल्स होते हैं दे हेल्प टू टेक इन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस. क्लियर. अब एडेप्टेशन की बात कर रहे हैं तो जब प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स लाइक लॉन्ग लेग्स स्केल्स फिन्स ये जो होते हैं और या उनकी जो सर्टेन हैबिट्स होती हैं डेट एनिमल या प्लांट और एनिमल टू लिव इन दोज पर्टिकुलर कंडीशंस. इज दिस थिंग क्लियर. और ये जो इसमें हेल्प करते हैं दिस इज कॉल्ड एडेप्टेशन. जो हमारे लॉन्ग लेग्स हैं तो ये क्या है दिस हेल्प टू अडेप्ट टू दैट पर्टिकुलर कंडीशन. और जो डिफरेंट एनिमल्स दे आर अडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग्स इन डिफरेंट वेज. कोई स्विम करके हो रहा है कोई अपने क्या स्किन को हार्ड करके कोई अपने स्किन को सॉफ्ट करके. तो दिस ऑल अडेप्टेशन इज डन बाय नेचर. भगवान ने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है कि दोस ऑर्गेनिज्म कैन लिव इन दोस पर्टिकुलर कंडीशंस. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे. वी लर्न्ड अबाउट हाउ डू एनिमल्स हैव अडेप्टेड टू देयर पर्टिकुलर एनवायरमेंट फॉर देयर सर्वाइवल. इन द नेक्स्ट सेशन विल डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर. So till we meet again, do revise the things that you are learning. Bye.